जादुई तिरंगा। ये कहानी अमर नाम के लड़के की है, जिसके पिताजी फौज में थे और अमर भी बचपन से ही फौज में जाना चाहता था। अमर अपने माता पिता का बड़ा लड़का था, पर उसके पिता फौज में एक दिन देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए और एक जवान ने उसे उसके पिताजी की स्मृति में एक तिरंगे का झंडा दिया, जिसे हमेशा वो अपने सीने से लगा के गर्व से घूमते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद अमर में एक ही जुनून था, आर्मी में जाने का। और जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिरकार दो प्रयत्नों के बाद एक दिन अमर का सिलेक्शन हो ही गया और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। और फिर कुछ समय बाद अमर अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर को लौटा और पहुंचते ही अपनी माँ से मिला। माँ, मैं आ गया, कैसी हो तुम? अमर की माँ उसे देखते ही खुशी से बोली, अरे बेटा, तू आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानता है, हमें तुझ पर बड़ा गर्व है। सब कहते हैं, देखो अमर की माँ जा रही है। आज तेरे पिता होते तो बड़े खुश होते। छुट्टियों के चलते हुए थोड़े दिनों बाद अमर का रिश्ता एक गांव की ही लड़की मीरा से तय कर दिया जाता है। उसे मीरा का स्वभाव काफी पसंद आता है और मीरा को भी अमर काफी अच्छा लगता है, और दोनों की रजामंदी से उनकी शादी कर दी जाती है। छुट्टियां खत्म होने के पहले ही उसे आर्मी से ड्यूटी का लेटर आ जाता है और अमर मीरा को बताता है, मीरा देखो, मेरा लेटर आ गया, मुझे जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आपकी लंबी छुट्टियां हैं, प्लीज थोड़े दिन और रुक जाइए ना। नहीं मीरा, ये देश का सवाल है, वहाँ सरहद पर मेरी ड्यूटी लगी है और मुझे जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पहले करवा चौथ पर मैं जरूर आ जाऊंगा और तुम्हारे पास ही रहूंगा। अगले दिन अमर सीमा पर जाने के लिए निकल रहा था और उसने मीरा से विदा मांगी और अपनी माँ के पैर छुए। तभी अचानक उसकी माँ ने उसके पिताजी का वो तिरंगे का बैच निकाला और उसके हाथ में दिया, बेटा इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारे पिताजी का है। अमर वो बैच लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। सीमा पे पहुँचने के थोड़े दिन बाद मीरा को अमर का फोन आता है। मीरा फोन उठाती है, हेलो, आप आ रहे हैं ना? नहीं मीरा, सरहद पर हालत काफी खराब है, कभी भी हमला हो सकता है, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। और अचानक से पीछे से बहुत दूर से मीरा को फोन पर धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है और अचानक से फोन कट जाता है। मीरा बहुत घबरा जाती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बेचैन हो जाती है। सोते उठते बस उसे उस धमाके की ही गूंज याद आती है। देखते ही देखते करवा चौथ नजदीक आ जाता है और करवा चौथ के दिन मीरा बड़ी बेचैन अपने फोन को देखती रहती है। अचानक से फोन बजता है और मीरा तुरंत उसे उठाती है। हेलो, कहाँ है आप? ठीक है ना? फोन क्यों नहीं किया? जानते हैं मैं कितना डर गई थी। अच्छा एक काम करो, पीछे देखो। मीरा के पलटते ही उसे अमर खड़ा दिखाई देता है और वो बहुत खुश हो जाती है और अमर की माँ भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों अमर का प्यार से स्वागत करते हैं और अमर की माँ पूछती है, जानते हो बेटा कितनी परेशान थी बहू और तुमने फोन क्यों नहीं किया? अचानक बीच में मीरा भी बोल पड़ती है, और वो धमाके की आवाज, वो क्या हुआ था? आतंकवादी हमारे कैंप में घुस गए थे और धमाके होने लगे और तभी हमारी मुठभेड़ हो गई, दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो गई और फायरिंग के दौरान एक गोली मेरे सीने में लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख अस्पताल में खुली तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं जिंदा कैसे बच गया। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि गोली उस तिरंगे के बैच पर लगी और तभी वो मेरा सीना ना चीर सकी, और मुझे बताया कि सरहद पर भी हम जीत चुके थे और फिर हमारा वहाँ झंडा शान से लहरा रहा था। और फिर अमर की माँ और मीरा ने चैन की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया और फिर मीरा ने खुशी खुशी अपना पहला करवा चौथ मनाया। जादुई हीरा। एक गांव में भोला नाम का मजदूर रहता था। भोला अपनी जिंदगी से तंग
मंगा चुका था। उसे लगता था कि वो किसी भी काम का नहीं है। एक दिन दुनिया से उदास भोला एक मंदिर में जाकर बैठा और वहाँ भगवान के आगे रोने लगा। हे भगवान, अगर मैं किसी भी काम का नहीं तो मुझे दुनिया में लाए ही क्यों? मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। भोला को इस तरह रोते हुए देखकर भगवान उसके सामने आ गए और उसके सर को सहलाने लगे। अचानक से भगवान को सामने देखकर भोला थोड़ा डर गया। डरो मत, मैं सच में भगवान ही हूँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। भोला, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? कीमती? किस काम की है मेरी जिंदगी? माँ ने कहा तुम ठीक से पैसे नहीं कमा सकते, बीवी ने कहा तुम बस सभी के लिए मुफ्त में काम करो, सेठ जी ने भी अब मुझे कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कल से नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं कहते, तुम सच में बहुत मूल्यवान हो। नहीं नहीं, आप भगवान हो, आपका क्या है, मैं तो इंसान हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी सच में कीमती है तो बताइए मेरी कीमत क्या है। भगवान ने भोला की बात सुनी और फिर उसके हाथ में एक लाल चमकदार पत्थर दे दिया। भोला, एक काम करो, ये पत्थर बाजार में लेकर जाओ और तुम्हें इस पत्थर की सही सही कीमत मालूम करनी है। अगर तुम मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सही कीमत भी बता दूंगा, मगर हाँ, संभल कर, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करना। भोला वो पत्थर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा और बाजार में जाते ही उसे एक फल बेचता हुआ आदमी नजर आया। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? भाई, ऐसे तो ये मेरे किसी काम का नहीं, मगर तुम सुबह सुबह आए हो तो मैं तुम्हें इसके 10 आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया। ऐसा कहकर भोला और आगे बढ़ गया। अपनी सोच में डूबा हुआ जब भोला रास्ते में चल रहा था तब उसके सामने एक सब्जी का ठेला आ गया। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, मगर इसे मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, तुम्हें मैं इसके बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फल वाले की तरह भोला ने सब्जी वाले को भी पत्थर बेचने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। तब उसकी नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। भोला ने सोचा चलो देखते हैं कि सुनार इस पत्थर की क्या कीमत लगाता है। तो भोला सुनार की दुकान पर गया और उससे कहा कि इस लाल पत्थर का क्या नाम है। लाल पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर सुनार के चेहरे के तो हाव भाव ही बदल गए और उसने भोला को आदर के साथ अपनी दुकान में बिठाया। भोला भैया, ये पत्थर तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? सुनते ही भोला के तो होश उड़ गए और उसने सुनार के हाथ जोड़ कर कहा, शुक्रिया, मगर मैं इसे नहीं बेचना चाहता। रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो, ऐसा करो 2 करोड़ ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता, ये किसी की अमानत है, मुझे बस इसकी कीमत जाननी थी। क्या मतलब बेचना नहीं है? अगर बेचना नहीं है तो क्यों मेरा वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हो, जाओ यहाँ से। भोला सोच में पड़ गया। सुनार की दुकान से बाहर निकलते ही वो एक आदमी से टकरा गया।
तब भोला के हाथ से वो लाल चमकता हुआ पत्थर गिर गया और जैसे ही उस आदमी की नजर उस लाल चमकदार पत्थर पर पड़ी, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उनका चेहरा देखते ही भोला उनसे पूछता है, मैं इस पत्थर को बेचूंगा तो क्या आप इसे खरीदेंगे? भाई मैं मनीलाल हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी, मगर आपके हाथ में जो ये लाल पत्थर है वो इतना कीमती है कि मैं तो क्या, इस देश का कोई भी व्यापारी आपको इसकी सही कीमत नहीं दे सकेगा। बेहतर यही होगा कि आप खुद इसको संभाल कर रखें। भोला ने जब मनीलाल की बात सुनी तो उसे भगवान की बात समझ में आ गई और वो समझ गया कि सही इंसान को ही सही इंसान की पहचान होती है और हमें अपना मूल्य दूसरों से नहीं बल्कि खुद की काबिलियत से करना चाहिए। भोला दौड़कर मंदिर की ओर चल दिया और भगवान के पैरों में गिर पड़ा। भगवान मैं समझ गया, अब मैं भी एक ऐसा जौहरी बनूंगा जिसे अपनी जिंदगी की सही कीमत का अंदाजा हो। बिल्कुल सही भोला, तुम उन लोगों के लिए अनमोल हो जिन्हें तुम्हारी कीमत का अंदाजा है और तुम्हें ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए।